हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है एप्पल एयरपोर्ट की बैटरी का इशू। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आपके एयरपोर्ट की बैटरी कब चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है और आप कहां से इसकी बैटरी चेंज करवा सकते हैं। देखिए, पहले तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अगर आपके एप्पल एयरपोर्ट की बैटरी ख़राब है तो आपको कैसे पता चलेगा। इसके मेनली तीन रीज़न होते हैं जिससे कि आपको आइडिया होगा कि आपके एयरपोर्ट की बैटरी ख़राब है। नंबर वन, जब भी आप कॉल करते हैं, कॉल के दौरान अगर आपकी आवाज़ ब्रेक होकर जा रही है, मेन रुक रुक के जा रही है, तो समझ लीजिए उस टाइम पे एयरपोर्ट की बैटरी को चेंज करवाने की ज़रूरत है। नंबर टू, अगर आपके एयरपोर्ट बार बार फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो समझ लीजिए उस टाइम भी बैटरी का इशू है। नंबर थ्री, एक टाइम के बाद मेन 2 साल बाद या 2.5 साल बाद इसकी बैटरी ख़राब होगी, उसका बैकअप कम होगा, उस टाइम भी आपको बैटरी चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बात आती है कि इसकी बैटरी कहाँ से चेंज कराएं, क्योंकि सर्विस सेंटर में इसकी बैटरी की ऑप्शन नहीं है। वो जब आप सर्विस सेंटर में जाओगे तो आपके पास वो ऑप्शन देंगे कि इसकी कंप्लीट बर्ड डिस्क चेंज किया जाएगा, जिसकी की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि इसको हम आफ्टर मार्केट में चेंज करवाएं। आफ्टर मार्केट में जब आप इसकी बैटरी चेंज करवाते हैं तो आपके मन में एक डाउट रहता है कि इसका बैटरी का बैकअप कैसा होगा। उसी डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, प्रॉपर प्रोसेस दिखाएंगे कि इसकी बैटरी कैसे चेंज होती है आफ्टर मार्केट में, और आपको दिखाएंगे कि बैटरी चेंज करने के बाद इसका बैकअप कितना आता है, मीन जिसका वॉच टाइम है वो कितने टाइम का रहता है, जो पहले ओरिजिनल बैटरी थी और जो आफ्टर मार्केट में हमने बाद में इंस्टॉल की है, दोनों को आपको कंपेयर करके बताएंगे और दिखाएंगे। प्रॉपर प्रोसेस, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कर लें, हम आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज लेके आते रहते हैं। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, ये है हमारे पास एयरपोर्ट 2 जिसकी की बैटरी ख़राब है, दोनों एयरबड्स की, लेफ्ट एंड राइट दोनों एयरबड्स आप देख सकते हैं, और इन दोनों की आपको आज बैटरी चेंज करके दिखाएंगे। कस्टमर का जो कहना है कि इसका जो वॉच टाइम है वो 1 घंटे से ज़्यादा इसका वॉच टाइम नहीं है। आप देख सकते हैं ये है बैटरी, जो छोटी छोटी आप देख रहे हैं, दोनों बैटरीज हम आपको चेंज करके दिखाएंगे। काफ़ी छोटे साइज़ की रहती है बैटरी। सबसे पहले हम एयरबड्स को हॉट एयर गन की मदद से इसको ओपन करेंगे। ट्वीज़र की हेल्प से इसको ओपन करते हैं, साथ में नीचे गम लगी होती है, गम को बहुत ही ध्यान से रिमूव करके उसके बाद जो बैटरी है उसको, बैटरी को निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है एयरबड से। आप देख सकते हैं बैटरी रिमूव हो गई है। बैटरी रिमूव करने के बाद हम इसमें नई बैटरी जो इंस्टॉल कर रहे हैं इंस्टॉल करेंगे। दोनों एयरबड्स की बैटरी को चेंज करने में जो टाइम लगता है वो अराउंड 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे आराम से करना पड़ता है। इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जो एयरबड्स हैं उनके ऊपर कोई स्क्रैच ना आए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव काम होता है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। आयरन की मदद से सोल्डरिंग करके उसके बाद इसके ऊपर का जो कैप होता है, कैप को लगा दिया जाता है। लास्ट में इसको गम की हेल्प से हम इसको पेस्ट करते हैं, ताकि जो ऊपर का कैप है और एयरबड्स है दोनों को अच्छे से पेस्ट किया जा सके। उसके बाद इसके ऊपर कैप लगाने के बाद इसके ऊपर टेप लगा दी जाती है। टेप लगा के इसको तकरीबन 1/2 घंटे के लिए हम इसको छोड़ते हैं, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो सके। लीजिए, 30 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद हम इन दोनों की टेप रिमूव करेंगे। टेप रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों एयरबड्स रेडी है हमारे टेस्टिंग करने के लिए। अब दोनों एयरबड्स को हम चार्जिंग केस में डाल रहे हैं, उसके बाद हमने कनेक्ट कर दिया है मोबाइल के साथ। दोनों की बैटरी 100% है। चेकिंग का एक बहुत एक अच्छा तरीका हमने देखा है, मैं आपको प्रॉपर डिटेल बताता हूँ वीडियो में, हमारे तक लास्ट तक बने रहिएगा। ये हमने वॉच टाइम स्टार्ट कर दिया है, वीडियो प्ले करना स्टार्ट कर दिया है, और साथ में वॉच टाइम लगा दिया है कि कितना टाइम ये बैटरी चलती है, कितना टाइम ये बैकअप देगी। प्रॉपर लास्ट तक देखेंगे वीडियो में, लास्ट तक हमारे साथ बनिए रहिएगा। देखिए, आप स्टार्ट कर दिया हमने,
दो मिनट, उसके बाद 7 मिनट्स, बीच बीच में आपको शॉर्ट्स भी दिखाएंगे और टेस्ट भी करेंगे कि कितने टाइम के बाद कितने परसेंट बैटरी इसमें पेंडिंग है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा या फॉर्मल मत कीजिएगा, बहुत ही टेक्निकल चीजें बताऊंगा आपको वीडियो में। ये देखिए 22 मिनट हो चुके हैं, हमारी वीडियो प्ले हो रही है और प्रॉपर हमने हमारे इंजीनियर इसको चेक कर रहे हैं प्ले करके। बहुत टाइम लग रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन आपके लिए हम इस टेस्टिंग को जरूर करेंगे, प्रॉपर लास्ट तक करेंगे ताकि आपको भी इसका रिजल्ट मिल सके, कि आप भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसकी बैटरी चेंज करवा सके। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आप देख सकते हैं 56 मिनट हो चुके हैं, अभी भी प्रॉपर हम वॉच कर रहे हैं वीडियो को और प्ले करके देख रहे हैं। एक घंटे के बाद नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि कितना इसका बैटरी बैकअप यूज़ हुआ है। तकरीबन एक घंटा हो चुका है और एक घंटे के बाद अभी भी 85% बैटरी पेंडिंग है, मींस सिर्फ 15% बैटरी कंज्यूम की है एक घंटे में इसने। जब हम केस में डालते हैं तो 1-2% बैटरी और चार्ज हो जाती है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा प्लस हो रहा है, बैटरी 86% हो गई है। दोबारा फिर से हमने स्टार्ट कर दिया, लगभग 1 घंटा 36 मिनट हो चुके हैं। ये हम खुद की वीडियो वॉच कर रहे हैं ताकि इसमें कॉपीराइट का कोई इशू ना बने। एक घंटा 51 मिनट हो चुके हैं और अब भी प्रॉपर रेगुलर वॉच टाइम चल रहा है। हमारी और भी वीडियोस, एप्पल वॉच की वीडियोस, और भी फ्रंट ग्लास बैक ग्लास चेंज करने की काफ़ी वीडियोस हमने यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर डाल रखी हैं। आप वहां जाकर सभी वीडियोस चेक कर सकते हैं और अच्छी अच्छी नॉलेज ले सकते हैं। हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि आईफोन का हर एक फॉल्ट, कोई भी फॉल्ट है उसकी प्रॉपर आपको आपके लिए वीडियो लेके आए कि कैसे वो फॉल्ट रिपेयर करते हैं और उसका क्या रिपेयर एस्टिमेट होता है। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, बीच बीच में शॉर्ट्स हम ले रहे हैं। नेक्स्ट हम शॉर्ट आपको दिखाएंगे कि इसके बाद 2 घंटे 22 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारी बैक ग्लास की वीडियो है कि बैक ग्लास कैसे चेंज करते हैं, इसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये विदाउट लेज़र मशीन हमने इसका बैक ग्लास चेंज करके दिखाया हुआ है, बिना लेज़र मशीन की मदद से, क्योंकि लेज़र मशीन से कई बार क्या है कि बैक ग्लास चेंज करते हैं तो ब्लैकनेस आ जाती है अंदर डिस्प्ले की बैक साइड के ऊपर। ये बिना लेज़र की मदद से इसका बैक ग्लास चेंज किया हुआ इस वीडियो में। लीजिए 2 घंटे 53 मिनट हो चुके हैं वॉच टाइम को चलते हुए। नेक्स्ट एक आधा और शॉट हम लेंगे, लास्ट में आपको दिखाएंगे कितने परसेंट बैटरी कंज्यूम की है इसने और कितना वॉच टाइम दिया है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। 3 घंटे 58 मिनट हो चुके हैं, मीन्स लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और अभी वॉच टाइम पेंडिंग है और ये 10% बैटरी पेंडिंग है 4 घंटे में, और 4 घंटे में लगभग 90% बैटरी कंज्यूम की है इसने। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इससे तकरीबन 4.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप इस बैटरी का आया है जो हमने नई बैटरी यूज़ की है। ऐसी ही और टेक्निकल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें, हम ऐसे ही आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।